सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के सैनिकों ने दोनों ही विश्व युद्धों के साथ साथ फ्रांस के लोगों को राष्ट्रीय दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1-0 प्लस 5 सेकंड्स लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। नमस्ते, मैं हूं सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विल स्टोरीज। आज का क्विल स्टोरी है जुलाई 14 पर बेस है। ये इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि उनका स्वतंत्र दिनोत्सव है जो 1798 में उनको बैस्टिल डे के नाम के द्वारा जुलाई 14 को प्राप्त हुआ। टाइटल है कि इसरो और फ्रांस का स्पेस सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के बीच में क्या रिलेशन है, उसका स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है और कई बातें भी मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ। 10 पॉइंट्स मेनली मैं कवर करना चाहती हूँ। नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विल स्टोरीज। आज का क्विल स्टोरी है जुलाई 14 पर बेस है क्योंकि ये जुलाई 14 डेट चाहे इन फ्रांस के लिए इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि उनका स्वतंत्र दिनोत्सव है जो 1798 में उनको बैस्टिल डे के नाम के द्वारा जुलाई 14 को प्राप्त हुई। और यही जुलाई 14 इंडिया को भी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को स्पेस में प्रोजेक्ट करने वाले है 2:30 PM टुडे फ्राइडे 2023। तो ये जिससे क्या मेरा टाइटल है कि इसरो और फ्रांस का स्पेस सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के बीच में क्या रिलेशन है, उसका स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट है और कई बातें भी मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ। 10 पॉइंट्स मेनली मैं कवर करना चाहती हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो। कम बैक, इंडिया फ्रांस का स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के लिए 25 ईयर्स हुए जो 1998 में फ्रांस का प्रेसिडेंट चिराक्स के द्वारा इंडिया से हमारा रिलेशनशिप कायम हुई थी, उसका 25 ईयर्स हुआ। और जुलाई 14 का ये इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे स्वतंत्र दिनोत्सव है इसीलिए मोदी जी को नहीं बुलाया, मगर हमारा रिलेशंस 25 ईयर्स का स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन है, हमने फ्रेंडली रिलेशन बना के रखाया और पीस और स्टेबिलिटी को हमने बहुत सक्षम निभाया, इसीलिए फ्रेंडशिप का मोदी जी को रेड कार्पेट इन्विटेशन मिल रही है। और दूसरा चीज़ हम अगर बताएं तो क्या इंडिया फ्रांस का यही रिलेशन था? अगर हम हिस्ट्री देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सारे दुनिया को बदल डाला, अपने अपने देश के स्वतंत्र में सारे देश निमग्न हो गए, मगर हमारा इंडिया भारत ब्रिटिश हाथ में चली गई। इसका नतीजा 1914 में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी के अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट हुआ। अराउंड इंडिया और फ्रांस का जो बुराइयाँ ब्रिटिश ने करा वो कर दिया, मगर जो अच्छा ही है कि हमको फ्रांस से रिलेशनशिप बढ़ गई है। हाँ, फ्रेंच ने भी इंडिया में कॉलोनीज बनाया, वो 5 कॉलोनीज है फ्रेंच कॉलोनीज, आपको मालूम है पुदुचेरी में है, बंगाल में यानम इन आंध्र प्रदेश, ऐसा 5 एरियाज़ है जो फ्रेंच कॉलोनीज है, मगर फ्रेंच का इंडिया में अपना राज्य चलाना वो कम थी। मगर ये फर्स्ट वर्ल्ड के बाद हमारे दोनों का रिलेशन अलग था क्योंकि 90,000 ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने फ्रांस में तैनात हुए फर्स्ट वर्ल्ड के द्वारा, तब फ्रांस और बेल्जियम में, तो उसमें 70,000 लोग इंडियन आर्मी शहीद हो गए। तो इसके लिए इंडिया गेट के द्वारा इंडियन मेमोरियल म्यूजियम में वो आपको हिस्ट्री मिल जाती है। तो तब से शुरू हुई फ्रेंच कॉलोनी से और ये फर्स्ट वर्ल्ड से हमारा इंडिया फ्रांस का रिलेशन स्टार्ट हुआ। डिस्पेट वार वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद अपना अपना सुप्रीमेसी अपना अपना पावर स्ट्रैटेजिक प्ले करते वक्त जब इंडिया स्वतंत्र हुआ 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, तब फ्रांस ऐसी देश है जो यूएसएसआर जो रशिया के बाद हमको सपोर्ट देने वाली फ्रांस थी, तब यूएसए तो पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दे रही थी, तब फ्रांस ने हमारा साथ दिया, ऐसा स्टार्ट हुआ हमारा स्लोली फ्रेंडशिप। तो इस फ्रेंडशिप का
पूरा एक स्ट्रैटेजिक प्लान की तरह तब बनी जब जनवरी 26, 1998 में जब प्रेसिडेंट चिराग ने हमारे इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन में उनका हाथ बढ़ाया, तब से शुरू हुई। अब अब 2023 में ये इसमें 25 ईयर्स, अब 2023 को वो 25 ईयर्स कंप्लीट कर रही है ये स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन इंडिया और फ्रांस के बीच। इतना ही नहीं, इंडिया फ्रांस इंडिया के लिए फ्रांस ने जब पोखरण ट्रस्ट हुआ तब सारे वर्ल्ड हमारे पीछे पड़ गई, पोखरण न्यूक्लियर ट्रस्ट कैसे करते हैं, तब फ्रांस ने हमारा साथ दिया रशिया के बाद। और फ्रांस इतना भी कह डाला, इतना बड़ा डेमोक्रेसी वाला इंडिया को अपने सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेम्बरशिप नहीं है तो कैसा बोल के बोलने वाला देश फ्रांस है। 2023 का ये स्ट्रैटेजिक रिलेशन का 25 ईयर्स कंप्लीट हो रही है, इसलिए मोदी जी को रेड कार्पेट इनविटेशन मिला है फ्रांस की तरफ से, और हम भी उतना ही फ्रेंडशिप निभाया जितना फ्रांस ने निभाया। तो इसमें मेरा सवाल आती है, मेरा क्वेश्चन कि क्या स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन है इंडिया के इसरो के और फ्रांस का स्पेस सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस का, तो इसे आपको जानना जरूरी है। एक मज़ेदार की बात बताती हूँ कि इसरो का जो चंद्रयान 3 अब लॉन्च होने वाली है श्रीहरिकोटा से, वो श्रीहरिकोटा का लॉन्चिंग पैड बनाने के टाइम का फ्रांस 1960 में अपना टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया ताकि श्रीहरिकोटा में लॉन्चिंग पॉइंट एस्टैब्लिश हो। तो ये फर्स्ट कॉर्पोरेशन हम से हुआ। अब तक इसरो ने इतना सक्सेस देखी कई अन्य देशों ने कभी देखा ही नहीं, इतना सक्सेस रेट है इसरो का श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड का भी। तो ये फर्स्ट मज़ेदार की बात है। शायद ये कोइंसिडेंस हो या कुछ कहो, जुलाई 14 आज चंद्रयान 3 वही श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो रही है, आज वही उनका बैस्टिल डे है जो नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में रेड कार्पेट इनविटेशन तहत उनको परेड की सैल्यूट भी मिल रही है। यही फ्रांस और इंडिया का सेंटर्स फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस का और इसरो में बीच में 2018 में सेम मैक्रोन और मोदी जी के बीच में जॉइंट वेंचर भी जॉइंट विजन फॉर स्पेस का ऑपरेशन हुआ, और 2020 में इसरो और फ्रांस ने जॉइंट वर्किंग कमिटी बनाई, इस तहत मार्स मिशन हमने भेजा जो गया है उसका दोनों सहयोग करके ये हुआ। और मज़ेदार की बात है कि इंडिया और फ्रांस इतने सक्षम है कि स्पेस में डेब्रिस जो मलबा रह जाती है स्पेस में उसको भी क्लीन करने के लिए एक मिशन बनाया, तो ये वर्किंग कमिटी बनाई टू सॉल्व स्पेस डेब्रिस। तो मोदी जी का क्लीन एंड ग्रीन का आयोजन स्पेस में भी चल रहा है, ही हेट डेब्रिस इन एंड आउट मोदी जी। तो ये ऐसा जॉइंट वर्किंग हो रही है इसरो और फ्रांस के CNES के बीच। इंडिया फ्रांस का स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन में ये स्पेस इसरो का और सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज फ्रांस का बीच में मार्स मिशन में भी सहयोग मिला है, और एट द ऑब्जर्वेटरी में 2021 में भी जो एट द एटमॉस्फेयर और उसका क्लाइमेटिक चेंज के लिए स्टडीज के लिए भी उनका सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो स्पेस का हो गया, तब क्या इंडिया फ्रांस का यही स्ट्रैटेजिक रिलेशन है? नहीं, ये तो स्पेस का है। इंडिया और फ्रांस और कई अन्य देश भी टेररिज्म की वजह से जो नॉन ट्रेडिशन सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल रही है, जो गैर पारंपरिक थ्रेट्स बोलते हैं इनको, उस पर भी काम कर रही है इंडिया और फ्रांस, क्योंकि आजकल ये खतरा इतना बढ़ गया कि इस पर सोचना की ज़रूरत है। कल ही हम लोग देखे भी फ्रांस में इंटरनल थ्रेट्स बढ़ गया कि वो देश को चैलेंज कर रही है, ऐसा भी इंडिया ने भी कई बार इंटरनल खतरे जो गैर पारंपरिक खतरे जो टेररिज्म के वजह से एंटी इंडिया के ब्रिगेड की वजह से कुछ हम थ्रेट्स देख रहे हैं, तो इस पर काम करना है। तो ये लोग एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, इसमें पूरी तरह क्या बोलते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीति में रिफॉर्म्स लाने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रही है।
फ्रांस का स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन में और एक पॉइंट निकल के आती है कि फ्रेंच ने स्कॉर्पियन कन्वेंटर सबमरीन 2005 में हमको दे रही है। आज राफेल जेट्स का और सबमरीन्स का टेक्नोलॉजी यहाँ पे ही बन कर देना, ये सब कॉर्पोरेशन में फ्रांस कर रही है। और इसमें टाटा भी एयरबस बनाने के C925 एयरबस बनाने के लिए फ्रांस से कोलैबोरेशन कर रही है। और अदानी ग्रुप, ये ग्रुप सारे जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो भी इस स्ट्रैटेजिक प्लान में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ताकि देश का जो PPP प्रोग्राम है, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, इसमें ये कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज फ्रांस से कोलैबोरेशन हो रही है, इससे डेवलपमेंट ज़्यादा हो। देवो जी कोड ऑफ कंडक्ट का वीडियो देखा, नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप देख लीजिए। क्योंकि देवो जी कोड ऑफ कंडक्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप में अब हम लोग फ्रेंडशिप मैरिटाइम नेवी में भी हम लोग जा रहे हैं, ताकि IOR रीजन, इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक ओशन के रीजन का प्रोटेक्शन मिले। तो फ्रेंच का कहीं है, इंडिया कहीं है, उसका क्या इंटरेस्ट है? बोले तो इसका दो आइलैंड्स है, वो उसका नाम मायोटा और जा री यूनियन बोल के दो आइलैंड्स है, उनका प्रोटेक्शन, उनका कॉलोनीज है, उनका प्रोटेक्शन फ्रेंच के ज़रूरत है। और IOR रीजन का प्रोटेक्शन इंडिया को भी ज़रूरत है। ये IOR रीजन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है बोले तो, यहाँ पे 80% ऑयल कंजम्पशन और ऑयल एक्सपोर्ट होती है, तो इसका सिक्योरिटी बढ़ना चाहिए। तो दिबोजी कोड ऑफ कंडक्ट इसको प्रोटेक्शन देती है। और हमारे आर्मी फ्रेंच नेवी, हमारे नेवी फ्रेंच नेवी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती है, उनके अंदर चले जा सकते हैं। तो इतना लीवे मिल रही है, इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर IOR रीजन को प्रोटेक्ट और सस्टेनेबिलिटी, पीस और सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना के एग्रेशन पॉलिसी पर भी अपना एक पॉलिसी बनाया, जो फर्स्ट कंट्री है, जो यूरोपियन कंट्री जो चाइना अगेंस्ट जा रही है, इसके लिए वो उसने पॉलिसी बनाई, फ्रांस के साथ पॉलिसी बनाकर काम कर रही है, मगर अपना खुद एक अलग पॉलिसी बना रही है चाइना के अगेंस्ट एग्रेशन, क्योंकि इंडियन पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्शन करना है, नहीं तो सी रूट्स हमारे साथ और एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा झटका हो सकती है। इसके लिए हमारा पॉलिसी है, उनका अलग, मगर दोनों मिलकर भी एक काम कर रही है। ये इंडियन फ्रांस स्ट्रैटेजिक रिलेशन के 25 ईयर सफर में ये सब पाया गया है। होप आप सब अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हर बार ये बात कहना भूल जाती हूँ, आप तो क्लेवर है, जो पसंद है वो आप छोड़ते नहीं, जो ना पसंद है उसको आप लाइक करते नहीं। जय जय हिंद, जय भारत।